गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए, तो आज तो साड़ी पहनना नहीं होता, सूट पहनना होता है। थोड़ा सा लेट उठी और फटाफट तैयार हो गई। साड़ी में टाइम लगता है ना, बट सूट में तो एक मिनट नहा धो कर और एक मिनट में कर लूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकलती हूँ। मैं देखो एकदम जैसे मैं फोन उठाती हूँ ना, ये रेडी हो जाता है। अपनी चीज को ठीक चाहिए, मैलू को ठीक चाहिए से बगी पर वो कलर। तो बस मैं निकलती हूँ, सारा लंच वगैरह मैंने ले लिया है और अभी तो बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है। कल शाम से ही बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट की मौसम ऐसे ही रहे। घर वापस आ गई हूँ और आज तो बहुत लेट ही छुट्टी हुई, सैटरडे था बट स्टिल लेट छुट्टी हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आज सैटरडे है, वही डेली रूटीन का हो गया। पेपर्स भी चेक कर रहे थे उस वजह से, तो चलो चेंज वगैरह करती हूँ। मम्मी अभी तक आई नहीं है, मम्मी ऑफिस गई हैं, पापा ने खाना बना लिया है, तो फटाफट से चेंज करके खाना पीना खा के मैं फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। नीलू क्या खा रहे हैं? नीलू रोटी खा रहे है, रोटी भी लग रहा है पापड़ बन गया है। सुबह का रोटी दिया हुआ और आप खा रहे, देखना मेरे को देखते ही रोटी उठाया है इसने, दिया था सुबह ही का। ऐसे लग रहा है पापड़ बन गया है। मैलू मैलू ये भी ना पता क्या करता है, खाता नहीं है जब देते हैं, जब मैं और मम्मी आ जाते हैं ना तब उठा के खाता है। मैं भी ये मिस करता है, ये क्या है पता नहीं, बट पूरे दिन नहीं खाएगा। जब मैं आती हूँ तो फटाफट रोटी लेगा, पापा सुबह भी देंगे तो भी नहीं खाता, पता नहीं क्या है। मैं भी मिस करता होगा ना, हम लोग घर में होते नहीं है शायद इसलिए। तो गाइज शाम हो चुकी है और चलो चाय वाय पीते हैं। यहाँ मम्मी क्या कर रही है, क्या बना रही हूँ मैं? वो कुंदरू बन रहे हैं। मम्मी बना रही है कुंदरू आलू, मसाला बन चुका है, इसमें डाल देंगे। और यहाँ दूध भी उबल गया है, यहाँ पे दूध उबल गया है और यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई है। तो फटाफट से चाय पीते हैं इससे पहले वो ठंडी हो जाए। तो गाइस चाय वाय पी के मैं चली गई थी बाजार। आज मैंने शूट ही नहीं किया है जाते वक्त, क्योंकि फोन की बैटरी ना बहुत ज्यादा लो थी। तो बस हम आ गए हैं बाजार से और हम लोगों ने सब्जी वगैरह लेकर आ गए हैं। आपको पता है आज सैटरडे है, तो सैटरडे हमारा होता है सब्जी वाला दिन, सब्जी मार्केट जाना, सैटरडे मार्केट जाना और वहां से सब्जी वगैरह लेकर आना। तो हम लोग लेके आ गए। एक तो ना मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया है, सेम सब्जी खा खा के ना इरिटेट हो गए हैं, वही गोभी बंद गोभी, वही घिया तोरी ये सब। तो फाइनली सब्जी ले आए और सब्जी तो बहुत ही ज्यादा महंगी मिल रही है। तो देखो ज्यादा तो कुछ लेकर नहीं आए हैं, बट थोड़ा मोड़ा लेके आए हैं क्योंकि लास्ट वीक का भी सब्जी पड़ा हुआ था। तो हम लेकर आए हैं ये, तो ये हो गया लहसुन। पहले हमने ये वाला लहसुन ले लिया था, ये हमें 60 रुपये पाव मिला है, छोटा छोटा सा। फिर ये अदरक, अदरक कैसे मिला मम्मी? 20 रुपये पाव। ये चकुंदर 40 रुपये किलो। मिर्ची, फिर भिंडी, टमाटर। ओ भाई टमाटर तो आसमान छू रहा है, 70 रुपये किलो मिला है, सोचो 70 रुपये किलो। फिर हम लेकर आए ये वाला लहसुन अच्छा लगता है, दो पकड़ो, दो को फटाफट से छीलो और काम हो जाए मोटा मोटा। ये हमें मिला 80 रुपये पाव। खीरा ले आए डेली खाने के लिए। ये हो गया कद्दू, आलू, प्याज, आज अरबी भी ले आए, बहुत दिन से अरबी नहीं खाया था, और धनिया पत्ता। तो बस यही सब्जी लेकर आए हैं। और मैलू को मैलू खाओ हाँ, आज तो हम मैलू के लिए बीन्स ही नहीं लेके आए मम्मी। अरे
और फिर अब मायू क्या खाएगा? तो हम मायलू को भिंडी देते हैं, नहीं वरना ही गुस्सा आ जाएगा। भिंडी खाएगा लो, मेरी गाय, मेरी छूना चो गाय, सेठ देख लो खा रहे के तो चारों से खुश हो गया कि कुछ तो लेकर आए मेरे लिए। अरे लिटरली ना बीन्स भी लाते हैं ना, तो इतना ड्राई ड्राई होता है ना, मन ही नहीं करता है। और हम लोग डिनर बना के गए थे तो बस ये सब चीज़ लिए, और चूड़ियाँ मिल गई थी थोड़ी थोड़ी सस्ते रेंज में, सेल लगी हुई थी, तो हम लोग 10 जोड़ी चूड़ियाँ ले आए थे क्योंकि फंक्शन है, गाँव वाँव से आएंगे तो उनको हम दे देंगे। मैं दिखाती हूँ, तो हमने ये चूड़ियाँ ले ली है, ये मतलब कड़े हैं, ये चूड़ियाँ नहीं है कड़े हैं, ये सब हमें 20-20 रुपीज़ का है ना मम्मी, 20 रुपीज़ का सेल लगा हुआ था तो हमने ले लिया। ये रे, ये तो मल्टी कलर वाले शाइन कर रहा है, ये पिंक शेड में है जो मम्मी की साड़ी का कलर है, फिर ये मैरून में हो गया, ये गोल्डन शेड है, इसमें ना कुछ डिज़ाइन वगैरह बना हुआ तो अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक में हो गया, ये तो सबके साथ चल सकता है, फिर ये हो गया, ये मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया पर मम्मी ने बोला कि ले लेते हैं, फिर ये ग्रीन में हो गया, फिर ये थोड़ा सा, और एक ये हो गया। तो हमने ये 10 पैर चूड़ियाँ ली है, 10 पैर मतलब 10 जोड़ी, तो हम इसलिए भी ले लिया कि अगर घर में कोई आता है, उनके पास है नहीं, गांव से भी आ रहे हैं और कोई रिलेटिव्स अगर मासी वगैरह आ गई तो हम उनको बांट देंगे, बस मतलब निकाल देंगे। तो चलो बस यही सब शॉपिंग करके आए हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीऊँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। ये देखो हटो हटो, ये इसको कुछ नहीं मिला तो ये नींबू से खेल रहा है, मैंने टोक दिया तो वो ना उसका ध्यान ही हो गया। फाइनली हमने डिनर वगैरह कर लिया है और अब बारी है सोने की, बट हाँ उससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि कल है 29 सितंबर, यानी कि जॉर्डन का बर्थडे, तो कल का दिन थोड़ा बिजी जाने वाला है, चर्च जाना, फिर उसका बर्थडे प्लान करना। वैसे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट मैं जॉर्डन को एक सरप्राइज़ दूंगी शाम को, उसके लिए हम सब जाएंगे, मैं जाऊंगी, आप जाएंगे और हम सब उसको बर्थडे विश करके आएंगे। तो थोड़ा सा कल का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है और कल का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल है जॉर्डन का बर्थडे। तो आज है स्पेशल डे क्योंकि आज है जॉर्डन का बर्थडे। तो अभी तो मैं फिलहाल चर्च जा रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, बस निकल रही हूँ, चर्च आती हूँ, प्रेयर करती हूँ जॉर्डी के लिए, और आज मीटिंग वगैरह भी है जो बच्चे फर्स्ट होली का में ले रहे हैं, उसके बाद जॉर्डन से मिलेंगे, फिर मैं वापस घर आऊँगी, फिर हम जॉर्डन के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शाम को जाएंगे। तो चलो जाती हूँ, और माइलू एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। क्या ये बिटू को भैया का बर्थडे है आज? सेठ भैया का बर्थडे है ना? तो चलो मैं माइलू को उसका ट्रीट देती हूँ और मैं निकलती हूँ, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो फाइनली मैं होली क्रॉस स्कूल पहुंच गई हूँ मास अटेंड करने के लिए। तो ये जो रास्ता है ये हॉल की तरफ जाता है जहाँ पे मास होता है, और मास खत्म होने के बाद मैं जॉर्डन का वेट कर रही थी ताकि मैं उसे बर्थडे विश करूँ, और वेदर देखो कितना अच्छा लग रहा था, पर आज धूप बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो मैं वहीं पे बैठ के इनको देख रही थी, और हमेशा की तरह इनको बास्केटबॉल खेलते हुए देखकर मुझे अपने पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं क्योंकि मेरे को बास्केटबॉल बहुत पसंद है। जॉर्डन से मिलने के बाद मैं घर आ रही थी तो मुझे याद आया कि कुछ कुछ सामान है जो घर में ख़त्म हो गया है चिली चिकन बनाने के लिए, तो मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे सोया सॉस, विनेगर और केवड़ा वाटर बिरयानी बनाने के लिए। तो ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई थी, तो फाइनली मेरे को जो वहाँ पे वर्कर है मेरे को उनसे पूछना पड़ा, एंड शी वॉज रियली वेरी स्वीट, वो मेरी हेल्प कर रही थी, वो स्टूल लेकर आई और उसने मुझे विनेगर, सोया सॉस छोटे बॉटल्स ला के दिए, और मैंने सारा जो भी सामान मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, और
फाइनली मैं घर की तरफ चल दी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जॉर्डन के लिए कुछ अच्छा अच्छा डिश बनाने के। चर्च से आने के बाद हम लोग इतने बिजी हो गए हैं पूछो मत। जॉर्डन के लिए खाना पीना बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने चिकन फ्राई कर दिया है, मैं बना रही हूँ चिली चिकन। यहाँ पे प्याज बिरयानी के लिए, मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ हो रहा है। लहसुन छील लिया है, ये रहा ढेर सारा। चिली चिकन के लिए ये है कैप्सिकम, और इसमें है ढेर सारा प्याज। और आज मैलू नहा लिया, सुंदर गंद गया, इसके भैया का बर्थडे है। और यहाँ पे देखो कितने सारे बर्तन गंदे हो गए, सब सफाई हो रही है, और ये रही मम्मी साफ सफाई कर रही है। और इसमें हम बनाएंगे, बड़ा पतीला निकाल लिया, तो आज हम इसमें बनाएंगे बिरयानी। और इस कढ़ाई में बनाएंगे चिली चिकन। पहले ये प्याज को ब्राउन करके मैं निकाल दूंगी उसके बाद। तो बस ये सब चल रहा है, और क्या बताऊं, बस केक का ऑर्डर दे दिया है, छोटू जाएगा शाम को केक लेने के लिए। तो अभी मैं खाना पीना बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग जाएंगे रात को, हम सब मिलके जाएंगे जॉर्डन को विश करने के लिए उसके बर्थडे में। तो चलो जब तक तो मैं बनाती हूँ, फिर मैं फ्री होके आप लोगों से बात करती हूँ। फाइनली सारा खाना पीना बन गया है, और मैं लिटरली थक चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें है बिरयानी, और इसमें है चिली चिकन। अरे मैं खोलना खोलूंगा, तो ये रहा चिली चिकन जो मैं लेके जा रही हूँ, ये रहा। और इसमें है बिरयानी, इसको भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बड़े से पतीले में मैंने बना दिया है, और रायता मैं वही बनाऊंगी, तो दही वगैरह सब लेके जा रही हूँ। और बस ऑलमोस्ट रेडी है हम लोग। मैंने ये वाला सूट पहन लिया, जो उस दिन नया नहीं लिया था सूट, तो मैंने ये वाला नया सूट पहना है। मम्मी रेडी हो गई, छोटू केक लेने गया है, और जैसे ही केक आता है हम लोग निकलते हैं, क्योंकि घर में ही 7 बज गए हैं, काम करते करते हम लोग को 7 ही बज गया है, तो बस निकलते हैं, क्योंकि वरना लेट हो जाएगा। जॉर्डन कर रहा है वेट अपने केक का, अपने फ्रेंड्स वगैरह को उसने इनवाइट कर लिया है। मेरे को कॉल करके बोल रहा था कि मम्मा प्लीज थोड़े से फ्रेंड्स को बुला लूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तो फिर उसने इनवाइट किया अपने दोस्तों को, तो बस वो वेट ही कर रहा है, उसका कॉल आ रहा है, और बस छोटे जैसे आते हैं हम लोग निकलते हैं। पकड़ना ना। और मैंने जॉर्डन के लिए ये ले लिया था ना, ये रहा मम्मी, ये डाल दो सारा। उसको ये सब बहुत पसंद है, अपनी दादी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और ये रहा बड़ा डेरी मिल्क, और मम्मी ने देखो तैयार वगैरह हो गई, ये वाली साड़ी पहन ली है। और माइलू परेशान हो रहा है, पर हम माइलू को लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर जगह नहीं होता। और पापा भी रेडी हैं, और गाइस लगता है केक आ गया, खुद लेट कर रहा है। और चलो मैं लेट कर रहा हूँ, केक नीचे लग दिया, चलो फिर सारा सामान वगैरह लेके दराज बंद कर, एसी चल रहा है। मैलू को, मैलू नहीं जाएगा। पापा जाओ ना इसके साथ, तो ये पतीला बिरयानी जा रहा है, ये बिरयानी। अरे डिग्गी में नहीं आएगा पीछे, तो सीट में रख दे, सीट के नीचे रख दे, पापा की सीट आगे कर दे, और अब वो पकड़ लो ये, और इसको भी दे देती हूँ। पापा ये ले जाओ, चाबी कहाँ है, ठीक है जाओ। केक नीचे रख दिया है हमारे, तो गाइस हम जा रहे हैं, बाय माइलू, जल्दी आएंगे ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा उसको छोड़ के जाना, छोटा सा होता ना तो उसको ले जाते, थोड़ी देर तो रोएगा वो, अच्छा है वो भी, रोएगा वो भी तो अच्छा है।
through the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just. गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं. जॉर्डन हमारा वेट कर रहा है और हम हो गए लेट. केक रास्ता इतना खराब था, मुझे तो ये लग रहा है कि केक को कुछ ना हो गया. केक की हालत देखिए. अरे इतना झटके मार रहा था पता रास्ता. कैंडल में तो कैसे देते हैं, वहीं पे एकदम ऐसे करके चलाते हैं, ऐसे लगा इधर ही लगा उसी टाइम चलाएंगे बस. तो काफी है इतना बड़ा केक लगा. अगर मेरे को बोलो दिया तो खा लेंगे, खा लेंगे. ताकि हम लोग उधर उधर घुसेंगे. मुस्कान तुम लोग उनके पीछे खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर सब आ जाएंगे ना. वर्दी को आई है भैया, आपका बेटा बहुत फैशनेबल इंसान है, उसको कुछ नहीं पसंद आता. चलो भैया अंदर अंदर उधर जगह बनाओ. हाँ घी डाल दो. घर का नहीं बनाई है. घर का कहाँ से बनाएगी. अब इसमें मैं डालूंगी घी. चीट करो ना चम्मच से. चम्मच से बिरयानी में एक चीज मैंने नहीं डाला था. मैंने सोचा कि वहीं जाके डालूंगी और मैंने इसलिए भी नहीं डाला था क्योंकि
घर में देसी घी खत्म हो गया था जो मैं घर में बनाती हूँ, तो मैंने मम्मी से यही पूछा कि घी डालते हैं, तो मम्मी ने बोला कि आजकल मम्मी घी निकालती नहीं है, मार्केट से खरीदती है, तो पता नहीं वो इतना स्वाद लगेगा नहीं, ये नहीं लगेगा। और बिरयानी में अगर घी ना डाले तो बिल्कुल स्वाद आता ही नहीं है, मजा ही नहीं आता। गाइस फाइनली हम लोग वापस घर आ गए हैं, थक गए हैं और मेरी तबीयत तो थोड़ी सी खराब भी हो गई थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं पूरे दिन काम किया ना सुबह से तो बहुत ही अजीब लग रहा था, बट चलो घर आ गए हैं। सारा जॉर्डन का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, बिजी हो गई थी वहाँ पे भी तो ज़्यादा शूट करने के लिए टाइम नहीं मिला। जॉर्डन ने मेरा ये फ़ोन ले लिया था और इससे गेम खेल रहा था, तो जैसे तैसे थोड़ा मोड़ा हमने शूट किया और अब 12 बज गए हैं, हम लोग काफ़ी लेट घर आए हैं। एक तो माइलू घर में अकेला था तो इसलिए हमें थोड़े से टेंशन भी हो रही थी, तो बस चेंज वगैरह करते हैं, डिनर वगैरह तो करके आए हैं और बस अब आराम करते हैं। अब माइलू अपना खाना खा रहा है, हम लोग इसको छोड़ के गए थे, प्यार करने के लिए बोल रहे सबको। ओले माइलू खाओ खाओ बच्चे खाओ, भूख लग रहा होगा। तो गाइस चेंज वगैरह कर लिया है, अब सोती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माय अनदर न्यू व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।